भागना तो पड़ेगा दोस्तों, चाहे फिर वो जॉब हो या बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो या फिर 50 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कैप्रिकॉन साइन मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मकर राशि का जून 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन जून 2024 मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, ये बहुत डिटेल में जानेंगे आज। और जो भी आपके प्रश्न हैं, सब कुछ, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रहों की क्या स्थिति है आपकी राशि से, मकर राशि से नवग्रह कहाँ कहाँ पर विराजमान है, क्या वो आपको फल देंगे, कौन सा ग्रह कब ट्रांजिट करेगा, वो डेट लिखी है 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में, 14 जून को बुध भी मिथुन राशि में, और 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब जो ये ग्रह हैं, ये कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि से, क्या एनर्जीज वो क्रिएट कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस लेकर आ रहे हैं, क्या फल आपको देंगे वो, यही हम जानेंगे आपकी राशि के अनुसार, ठीक है। क्योंकि ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है, ठीक है। अगर दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जानते हैं मकर राशि जून 2024, अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, ठीक है। आपकी राशि है दोस्तों मकर राशि 10वें नंबर की, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशि। तो आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं, ये आपकी राशि है, राशि के स्वामी बनते हैं शनि, सैटर्न, ठीक है। और सैटर्न कहाँ है, सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है कुंभ राशि के, ओके। आपके तीसरे घर में है यहाँ पे राहु, फोर्थ हाउस में है मंगल। आपके पंचम भाव में चार ग्रह बैठे हैं, ठीक है, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, गुरु भी हैं और सूर्य भी हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे सिक्स्थ हाउस में आएंगे इस डेट पे, ओके। अब सबसे पहले आपका स्वास्थ्य जान लेते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपकी हेल्थ दोस्तों, फर्स्ट हाउस होता है हमारे सेल्फ का, हमारे इम्यून सिस्टम का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है। तो आपके फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं यहाँ के, वो शनि बनते हैं, और शनि आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, लेकिन वो अपनी राशि में बैठे हैं। शनि यहाँ पे अपनी राशि में विराजमान है, अपने घर में विराजमान है, और कोई भी ऐसा मैलिफिक प्लैनेट नहीं है, यानी कि एक कोई भी ऐसा अकारक पापी ग्रह नहीं है जो शनि को देख रहा हो गोचर में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपके जो इम्यून सिस्टम है, वो अच्छा रहता है। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य कब बिगड़ता है, जो बड़ी बीमारी होती है वो अलग होती है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हर्ट से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड, वो एक आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब हमारा इम्यून डाउन होता है ना, इम्यून सिस्टम, तब हमें चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर जाती हैं, जैसे कफ कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, कहीं ना कहीं जल्दी चीज़ें वो हमें पकड़ लेती हैं, पेट खराब हो गया। ये तब होता है जब हमारे राशि स्वामी खराब स्थिति में बैठे होते हैं गोचर में। तो यहाँ पे शनि आपकी अच्छी स्थिति में है, तो हेल्थ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। हाँ, अगर आपकी कुंडली में दशा खराब चल रही होगी तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं आपकी पढ़ाई, कि पढ़ाई कैसी रहेगी आपकी जून के महीने में। दोस्तों, पंचम भाव, ये जहाँ चार ग्रह बैठे हैं ना एक साथ, ये होता है दोस्तों पंचम भाव पढ़ाई का, ठीक है। और पंचमेश बनते हैं शुक्र, इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन वो यहाँ आ जाएंगे आपके छठे घर में शुक्र 12 जून को। भाई 12 जून से पहले तो आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम, आपका एडमिशन लेना, या जो भी आपके प्रश्न हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, वो सब अच्छे होंगे आपके, लेकिन 12 जून से पहले। लेकिन जैसे ही पंचमेश छठे घर में प्रवेश करेंगे 12 जून को, उसके बाद थोड़ा टफ रहेगा। अगर 12 जून के बाद एग्जाम है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जितना 12 जून से पहले होगा, राइट। क्योंकि शुक्र भी थोड़े से वीक हो जाएंगे, फिर जो बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह होते हैं हमारी, जहाँ से बुद्धि देखी जाती है, कितने हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, बुध ग्रह, मरकरी, वो भी छठे घर में चले जाएंगे 14 जून को। तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्ट होना, माइंड का थोड़ा डाइवर्ट होना हो सकता है, उपाय कीजिएगा, ठीक है। बात करूँ प्रेम प्यार, लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका, दोस्तों ये पंचम भाव लव रिलेशन का भी होता है, और पंचमेश जैसे मैंने बताया शुक्र हैं, विनस हैं, और अपने घर में शनि भी अपने घर में है, शुक्र भी अपने घर में है। भैया इसे कहते हैं बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, इसे कहते हैं बहुत अच्छी एनर्जी जो प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। वो सब चीज़ें होती रहती हैं जो प्लैनेट्स एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं जिस हाउस में बैठ के, और हम कहीं ना कहीं नाम लेते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो कितनी मेहनत करते हैं फिर हमारे साथ ऐसा होता है भगवान।
ये भगवान नहीं करते, ये हमारी जन्म कुंडली होती है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो आपके कर्मों का फल है, पूर्व जन्म कर्मों का फल है। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बहुत जल्दी बने रहेगा, ठीक है। फिलहाल जो है आपके जो आपका लव रिलेशन है वो इस महीने काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन हाँ जब ये शुक्र आपके यहाँ जाएंगे मिड जून के बाद फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं। थोड़ा जिद और कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस पे है। आप जो बोलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट बोलेंगे, बिल्कुल साफ सीधे बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा चुभ सकता है सामने वाले को, ठीक है। बाकी 70-80% लव रिलेशन अच्छा है। इसमें बात करूँ वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी, दोस्तों सेवंथ हाउस, ये सेवंथ हाउस होता है कुंडली का, ये होता है जी हाँ मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, डेली इनकम का, पब्लिक डीलिंग का होता है ये। तो सेवंथ लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, जो कि पूरी राशि मतलब भ्रमण करते रहते हैं, हर सवा दो दिन में बदलते रहते हैं, ठीक है। अब आपके जो यहाँ पे शुक्र हैं वो त्रिकोण में हैं, जो गुरु हैं वो त्रिकोण में हैं, मंगल स्वय राशि के हैं, शनि स्वय राशि के हैं, कुटुंब परिवार जो है अच्छा दिख रहा है, खुशहाली अच्छी दिख रही है क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये महीना मैरिड लाइफ को लेकर अच्छा है। इवन अगर आपकी मैरिड लाइफ में पहले कोई इश्यूज थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई अड़चन थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये महीना मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। लेकिन हाँ, आपके जो लाइफ पार्टनर है ना, जो आपके लाइफ पार्टनर है, उनका मूड बड़ा स्विंग होता है, डिसीजन लेने में कमी होती है। कहते ना कि डिसीजन पावर थोड़ी वीक होती है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड होता है मून चंद्रमा, और चंद्रमा एक वाटर प्लैनेट है, तो ये थोड़ा सा, और ये भी एक वाटर साइन ही है चंद्रमा, कर्क राशि आपके सेवंथ हाउस में जो है, तो ये थोड़ा बहुत मूड स्विंग होता है लाइफ पार्टनर का, बाकी तो ठीक रहेगा। मैंने अच्छा है। बात करूँ सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा आपका। दोस्तों भाग्य स्थान होता है नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस ये वाला स्थान होता है भाग्य का, और टेंथ हाउस ये होता है करियर का, ठीक है। तो भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं आपके, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं आपके मरकरी, बुध ग्रह, और बुध ग्रह कहाँ पे हैं, बुध ग्रह आपके पंचम भाव में है 14 जून तक। मैं कहना चाहूँगा आपसे जी हाँ, 14 जून से पहले भाग्य अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। 14 जून के बाद बुध आपके छठे घर में चले जाएंगे, लेकिन वो भी अपनी राशि में जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं आप, जो बहुत खराब परिस्थिति है, जहाँ से निकलना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी से निकलना चाहते हैं, किसी ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो जब ये बुध यहाँ आएंगे ना आपके 14 जून के बाद, वो भी अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि अपनी राशि में आएंगे आप। अगर आप इस महीने कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कहीं कोई डील करना चाहते हैं, कोई मीटिंग रखना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य की सोच रहे हैं, तो ये महीना अच्छा है क्योंकि बुध अपनी ही राशि में आएंगे 14 जून के बाद, तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। बात करूँ करियर को लेकर, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा आपका, वर्किंग प्लेस। दोस्तों टेंथ हाउस, जैसे मैंने बताया टेंथ हाउस होता है आपके करियर का, टेंथ लॉर्ड बनते हैं वीनस, शुक्र बनते हैं, शुक्र आपके पंचम भाव में है 12 जून तक है, शुक्र जो है अपनी ही राशि में विराजमान है। यह महीना करियर को लेकर 12 जून तक तो बड़ा अच्छा है, शुक्र अच्छे हैं, टेंथ लॉर्ड मजबूत है, मंगल आपके टेंथ हाउस को देख भी रहे हैं, एनर्जी अच्छी रहेगी, काम करने का तरीका बड़ा अच्छा रहेगा, आपकी तारीफ भी हो सकती है, लेकिन 12 जून से पहले पहले अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आइडियाज मन में आ रहे हैं, एक्शन लेने का टाइम है 12 जून से पहले, 12 जून के बाद नहीं, क्योंकि शुक्र जो आपके शुक्र ग्रह हैं वो कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। और मंगल एक मैलिफिक प्लैनेट, मंगल अपनी राशि में तो है, लेकिन टेंथ हाउस को देखने का मतलब है कि एनर्जी तो देंगे, काम करने में थोड़ा एक स्टैमिना तो देंगे, लेकिन साथ में थोड़ी बहस का मुद्दा क्रिएट ना करें, इसका ध्यान दीजिएगा कि कोई आपके आर्ग्यूमेंट ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। और खासकर 12 जून के बाद जब शुक्र आपके छठे घर में आएंगे, और छठा घर होता है शत्रुओं का, ऋण रोग शत्रुओं का, तो पॉलिटिक्स ना हो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके ट्रैवल हो सकते हैं 12 जून के बाद, आपके कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन आप उस काम को कर लेंगे क्योंकि मंगल बड़े अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, जुपिटर आपके जो है भाग्य स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो आप अपने काम से डरेंगे नहीं, आप अपने काम को भली भांति करेंगे। अगर कोई नौकरी के लिए देख रहे हैं, अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं इस महीने, तो एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि नौकरी मिलने की संभावना इस महीने 70% है, क्योंकि मंगल स्व राशि के हैं, शनि नौकरी का कारक होकर अपनी राशि में बैठे हैं, तो नौकरी मिलने की संभावना है। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, दोस्तों ये महीना बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी दिख रही है, बिजनेस कर भी सकते हैं, बिजनेस है आपका, पब्लिक डीलिंग का कोई काम है, डेली इनकम का काम है, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा इस महीने। क्या उपाय करने चाहिए दोस्तों आपको इस महीने, सबसे पहले आपको रोजाना शुक्र ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए 108 बार, ठीक है। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः,
डेली करना है आपको। बुध ग्रह का बीज मंत्र करना है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः 108 बार, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करना है। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।